चंदना अभय चरण रावृंद रे Thank you.
नित्य लीला प्रविष्ट ओम संवाद परमहंस परिवर्तिका आचार्य अष्टोत्तर इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बिंदी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिका आचार्य अष्टोत्तर सत्य ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। साम वेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे दर्शन प्राप्त कर लिया और भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुके। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख हैं। अतएव यहां पर उन्हें सभी भक्तों में से सबसे बड़ा बताया गया है।
जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन जाता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त हो ही हमें अज्ञान सागर के दूसरी ओर ले जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया जाया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघाय तेंदुलिंगे पादं श्रीगुरुदीन कारणं श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि अलग अलग प्रकार के दार्शनिक होते हैं, जैसे शुष्क दर्शन ड्राई फिलॉसफी, मेंटल स्पेकुलेशन, लोग नाना प्रकार का मानसिक कल्पना करते हैं भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में थ्योरी देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दार्शनिक होते हैं और सभी दार्शनिकों में सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान का अनन्य भक्त है, वो श्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट, क्योंकि ये दर्शन के साथ साथ भगवान की सेवा में निमग्न रहता है। भगवान की सेवाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में चिंतन करता है और भगवान की सेवाओं को संपन्न करता है, फुल ऑफ एक्शन उसके जीवन में। तो ये जो भगवान का भक्त है ऐसा दार्शनिक श्रेष्ठ बताया गया। भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया कि चार प्रकार की परंपराएं हैं, फोर, जो वास्तविक रूप से भगवान से ही प्रारंभ होती है। चारों परंपराएं भगवान से ही प्रारंभ होती है और इन चार परंपराओं के अंदर जो गुरुवर्ग हैं, आचार्य हैं, उनके शिष्य इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ही हम भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये चार प्रमाणिक परंपराएं, चारों परंपराएं भगवान से ही प्रारंभ होती हैं। जैसे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और इन चारों संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हैं। और इन आचार्यों का आश्रय लेकर के, उनके अनुगत होकर के हम भक्ति को प्रमाणिक तरीके से सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं, मनोकल्पना के द्वारा नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन, मैंने ऐसा सोचा, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है धोखा देना, जो एक बद्ध जीव है उसका स्वभाव है धोखा देना, गलती करना। तो जब हम गलती कर सकते हैं, हम धोखा देने की वृत्ति है, तो हम कैसे भगवान की भक्ति का सही प्रमाणिक रास्ता अपने आप खोज सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो इन चार संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय का जिसने आश्रय लिया हो, जो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर श्रवण करता हो, वो भगवत भक्ति का रहस्य जान सकता है। और जैसा यहां पर वर्णन है कि श्रीपाद नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के पास आया जाया करते थे, क्योंकि ये पांचों भाई पांडव, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। इसलिए नारद मुनि को अत्यंत प्रसन्नता होती थी इन पांच महान भगवत भक्तों को अपना संग देने में, टू गिव देम देयर एसोसिएशन, इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस समय समय पर, ठीक है, उनको निर्देश देना, उनको समझाना, भगवत भक्ति के रहस्य को बताना।
इससे नारद मुनि को अत्यंत प्रसन्नता होती थी। इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में, जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं, नारद मुनि प्राय आते जाते रहते थे और सारे लोगों ने नारद मुनि का खड़े होकर के हृदय पूर्वक स्वागत किया। दे आर वेलकम नारद मुनि, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान के जैसे भक्त हैं वे वास्तविक रूप से पूजनीय हैं। इस भौतिक संसार में व्यक्ति धन के द्वारा पूजनीय बनता है, राइट। आजकल के समय में यदि आप कहीं पर बहुत लोग बैठे हो, कोई बहुत धनवान व्यक्ति आ जाए उनके बीच में, तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ? वो राजा के समान धनवान है। परंतु एक बहुत सुंदर उदाहरण सुनिए, जब महाराज दशरथ राज दरबार में बैठे थे, विराजमान थे और सारे सभासद बैठे हुए थे, पूरा राज सभा खचाखच भरी हुई थी। उस समय उस राज प्रसाद में कक्ष में विश्वामित्र मुनि ने प्रवेश किया। जब महाराज दशरथ पूरे ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए हैं और सारे लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे समय में विश्वामित्र मुनि ने उस राज प्रसाद में प्रवेश किया और विश्वामित्र मुनि को दूर से देखते ही महाराज दशरथ खड़े हुए। भाई क्लास में जब टीचर आता है तो सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि टीचर महान है, पूज्य है, रिस्पेक्टेबल है, इस कारण से खड़े होना स्वाभाविक है। सभ्य लोग, आजकल के असभ्य हैं स्टूडेंट, तो उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हो, तुम खड़े रहो हम बैठे रहेंगे। परंतु ये सभ्य लोगों का व्यवहार होता है, परिचय। तो हम देखते हैं महाराज दशरथ तुरंत जो है खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर के आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं, जंगल में रहता हूं, मेरे पास क्या है? आप इतने बड़े राजा हो, राज्य के स्वामी हो, आप विराजिए, राइट। तो महाराज दशरथ ने कहा, देखिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार के महाराज होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तो जो राज्य चलाते हैं और दूसरे वो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने सब कुछ त्याग, इसलिए हम बोलते हैं ना महाराज महाराजा है। तो महाराज कैसे हैं? जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, घर परिवार का, सभी प्रकार के संबंधों का, भौतिक संबंधों का परित्याग कर दिया है। परंतु ये जो दूसरे प्रकार के राजा हैं वे और ज्यादा पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने एकमात्र भगवान की शरण ले ली है, भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं और भगवान उनको प्रेम करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी संपत्ति न होने के बाद भी, कोई भी भौतिक प्रभुत्व न होने के बाद भी, वे सभी के द्वारा पूजनीय होते हैं, दे आर रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, राइट। और इसलिए दशरथ महाराज ने बतलाया, मैं तो सिर्फ इतने से प्रदेश का राजा हूं और आप पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। आप कहीं पर भी चले जाओ, हैं? आपको कोई परिचय की जरूरत नहीं है और सारे लोग आपका दर्शन करते ही अपनी जगह से स्वतः उठकर खड़े हो जाएंगे, राइट। टू वेलकम, टू शो द टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो यह वास्तविक महाराज।
इज रियल महाराज, जिनका प्रभुत्व कभी भी समाप्त नहीं होता, ठीक है, जिनका वर्चस्व, जिनका प्रभुत्व कभी भी समाप्त नहीं होता। तो नारद मुनि इस प्रकार के महाराज, इसलिए जैसे ही नारद मुनि वहां पर आए उस राज प्रसाद में, तो सारे पांडवों ने, जैसा पहले वाले श्लोक में हमने सुना, खड़े होकर के उनका स्वागत किया, उनकी स्तुति की और अपने आप को विनम्र होकर उनके सामने प्रस्तुत किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द वे, गुरु और भगवान के महान भक्तों के सामने अहंकार से अपने आप को प्रस्तुत कभी नहीं करना चाहिए, अपने आप को बहुत सरल और दीन बना करके प्रस्तुत करना चाहिए। टू प्रेजेंट वनसेल्फ विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, मैं बड़ा राजा हूं, नहीं कोई जरूरत नहीं बोलनी, मैं आपका एक साधारण सेवक हूं। इन दोनों बातों में कितना बड़ा अंतर है, दोनों अप्रोच है, राइट। तो इस प्रकार से नारद मुनि का स्वागत किया पांचों पांडव ने, वहां पर यहां पर वर्णन है, और उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत किया। राजा की सेवा सारी प्रजा करती है और वो राजा साधुओं की सेवा करते हैं, राइट। इतने सारे सेवक के राजा के, और वो राजा साधुओं की सेवा करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कौन पावरफुल है, राइट। हम देखते हैं ऐसा एक वर्णन, देवताओं के राजा इंद्र बैठे हुए थे, सारे देवताओं के राजा हैं किंग, तो बदलाओ, सारे देवताओं के राजा दरबार में बैठे हुए थे, सारे देवता हजारों हजारों लाखों देवता वहां पर बैठे हुए हैं, सब उनका गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और ऐसे समय में उनके गुरुदेव बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति उस सभा में प्रवेश किए, के एंटर, और सभा खचाखच भरी हुई थी, इंद्र की पूजा हो रही थी, कई अप्सराएं खड़ी होकर के चावल डुला रही थी और कई देवता मोर पंख घुमा रहे थे, शंख बजा रहे थे, इस प्रकार से बड़े ही वैभव के साथ इंद्र की पूजा हो रही थी। और ऐसे में एक साधारण व्यक्ति, ऊपरी तौर से साधारण, जिसके ऊपर बहुत सारे सोने के अलंकार नहीं है, जेवरात नहीं है, मणि माणिक नहीं है, हीरे मोती नहीं जड़े हुए, साधारण वस्त्रों में एक व्यक्ति ने वहां प्रवेश किया जिनका नाम था बृहस्पति, और इंद्र ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंद्र की इतनी बड़ी पूजा हो रही थी, इतने सारे बड़े बड़े देवता सूर्य चंद्र आदि उसकी पूजा कर रहे हैं, वरुण और वायु उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो इंद्र बड़े अहंकार में था, इंद्र ने अनदेखा किया उनको, और ऐसे में बृहस्पति जी चुपचाप बिना कुछ घोषणा किए हुए, बिना वहां पर किसी भी प्रकार का संवाद किए हुए वहां से निकल गए, सिर्फ निकल गए, और इसके बाद यह हुआ कि इंद्र की सारी शक्ति समाप्त हो गई, देवताओं पर असुरों ने आक्रमण किया और सारे देवता परास्त हो गए, हार गए बुरी तरह से, इंद्र को अपने राजमहल को छोड़ के भागना पड़ा, कायर के भांति भागना पड़ा,
और देवतागढ़ पहुंचे और इंद्र को तुरंत अपनी गलती मालूम पड़ गई, परंतु अब पश्चाताप करके कुछ लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने गुरु बृहस्पति को नाराज कर दिया। कैसे नाराज किया? उनका समुचित स्वागत नहीं किया, ये शास्त्र का नियम है। Whenever you see the guru coming, whatever the situation, one should welcome and offer worship. Indra did not do, and what was the result? सारे देवता परास्त हो गए, सबका वैभव समाप्त हो गया, दर दर की ठोकर खाने लगे, और तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। They realized they did a big mistake. और भगवान के पास पहुंचे और भगवान ने कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। No help from my side, because you have offended your guru. तो यह शास्त्र का निदर्शन। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो भगवत भक्त है, इंद्र भगवत भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, कर्म मिश्र भक्त है। इस कारण से परिणाम क्या हुआ? उसने समुचित सम्मान नहीं किया, परंतु जब पांडवों की सभा में नारद मुनि ने प्रवेश किया तो सारे पांडवों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, उनकी अर्चना की, पूजन किया। दिस इज द डिफरेंस भक्त में और साधारण व्यक्ति में। सारे सद्गुण आते हैं भगवत भक्ति के द्वारा। समासते सुरा, सर्व गुण समासते सुरा, देवताओं के सारे सद्गुण एक भगवत भक्त के चरित्र में अपने आप आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा प्रमुखता है भक्त बनना, टू बिकम ए डिवोटी। यदि आप भक्त बन गए तो सारे गुण सद्गुण अपने आप आएंगे, और नहीं तो कुतः सा महद्गुणा, कुतः सा महद्गुणा। जो भगवान का भक्त नहीं है, राव भक्तस्य कुतो वा महद्गुणा, जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कहां से महान गुण दिखाई देंगे? आप नहीं दिखाई। कभी ऐसा रखता भी है तो वो रेगिस्तान के पानी के जैसा है। उड़ जाएगा तुरंत, समझ गए? तो जो अभक्त है उनमें कोई सद्गुण ठहरते नहीं है, ठहरते नहीं है। और जो भगवत भक्त हैं उनमें सारे सद्गुण अपरिमित मात्रा में सदैव निवास करते हैं, क्योंकि वे हमेशा भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं। और ऐसे भक्त विनम्र होते हैं और सदैव सबका सम्मान करते हैं, जैसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रणादपि सुनिचेना करोरपि चैष्णवा वेरी इंस्पायरिंग इलस्ट्रेशन हियर। बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है कि जो भगवान के भक्त हैं वो शुष्क चिंतक नहीं होते, वे वास्तविक रूप से प्रेम पूर्वक सेवाएं संपन्न करते हैं और हमेशा गुरु एवं भक्तों का पूजन करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, जैसा पांडवों ने किया नारद मुनि के साथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।